ये कहानी बताऊं, इसमें एक ट्विस्ट और अलग से था। फाइनली अपना अभी एक नया लुक आने वाला है, कैसा आएगा? चेंजेस हो जाएगा अभी। ये अपना लुक है, ये ऐसा कुछ। एंड ये लुक मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसा कराऊंगा कि मेरे जानते हुए मैं ये पहली बार ऐसा होगा। पूरा लुक चेंज करने के बाद पूरे पूरे 9 दिन बाद हम फिर से हाजिर हुए हैं। मतलब कटिंग कराने के बाद से मुझे इतनी ज़्यादा मतलब शर्म आ रही थी। पापा बहुत छोटे रखते हैं ना बाल, हमको ही बढ़ाने नहीं देते। तो अभी पता नहीं, अभी किसी को मैंने बताया नहीं, और ये 8 से 10 दिन हो गए हैं। एंड हमारा भी जॉब ऑफ था, तो अभी छुट्टियाँ चल रही थी, तो घर पे इस थे तो मज़ा आ गया। मतलब ये 9 दिन बाद थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी निकल गई है, मतलब निकल गई है यार, दाढ़ी आती नहीं पर निकल गई है। अभी मैं फाइनल लुक आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड पता नहीं यार, मैंने अभी तक सो नहीं किया है। जब तक ये वीडियो हमारे घर वाले देखेंगे ना, तो पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा क्या नहीं। मैंने अभी तक किसी को ही नहीं बताया, ये एक भी नहीं। मैं आप लोगों से बता दूँ, मैं 4 दिन हो गए हैं आज का पकड़ के 4 दिन। रात के 3 बजे सोता हूँ और वही 6-7 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज रखा हुआ है, और उसके लिए भाई आपका काम कर रहा है। मैं अभी भी आपके लिए काम ही कर रहा था, देख सकते हैं। अभी मेरी लैपटॉप जो है अभी फ्री हाल, इसकी चार्जिंग हो चुकी है ख़त्म, और मैं अभी छत के ऊपर आके बैठ के बना रहा था वीडियो। आप लोगों के लिए एक सस्पेंस रखा हुआ है, एंड आप लोग हम जल्दी कुछ एक अचीवमेंट करेंगे, उन जल्दी कुछ हम अचीवमेंट करेंगे, उसके बाद ही मैं ये लॉन्च करूँगा। एंड ये आप लोगों के लिए ही है। हमारे जितने भी नए नए यूट्यूबर हैं, आप अभी अपने को फॉलो कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए मतलब अर्निंग से रिलेटेड है, तो अब इतना तो मैंने हिंट दे दिया, बाकी आप लोग समझदार हो। अब ये चीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, भाग लोगे, यानी इसका हिस्सा आप बनना चाहते हो या अर्निंग करना चाहते हो, तो भाई का वीडियो देखते रहिए, और जहाँ जो भी सोशल मीडिया वहाँ पर जाके आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये सब करने के बाद, मतलब मेरे पापा जी ना हमेशा छोटे छोटे बाल रखते हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब उनके हाथ में उनका हाथ बात था हमारे ऊपर। मतलब हमारे पापा जी हमारी कटिंग करते थे, नहलाना धुलाना, जब छोटे थे, बच्चे थे तब की बात है। तो ये सारा कुछ पापा जी करते थे, मम्मी करते थे, उनके अंडर पे थे। अभी हम थोड़े समझदार हो गए हैं, मतलब इतने भी बड़े नहीं हुए हैं। आज भी अगर हम पापा डांट देते हैं तो हम सुन लेते हैं, और हमेशा अपने माँ बाप की सुनना भी चाहिए। बट अभी आजकल मैं कुछ ज़्यादा ढीठ हो गया हूँ, सुनता नहीं हूँ, ये सही बात है। बट जल्दी हम नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती। बट छोड़ो यार ये सब बातों, कहाँ घुसे जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे चारों तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा एकदम कोई भी दिखाई नहीं देता है। छत में सिर्फ मैं ही एक बंदा ऐसा होता हूँ यार जो बैठ के रहता हूँ, मेरे को कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कोई भी नहीं दिखता है, सिर्फ मैं दिखता हूँ। एंड मेरे साथ साथ दिखता है मेरा शोरूम। अब पता नहीं मेरे घर वाले, शायद ये एडिट करूँगा मैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम हो जाएगा मुझे पता है, क्योंकि ये कम से कम 8 से 10 दिन में ये वीडियो मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी कुछ काम चल रही थी। एंड हमारे कंपनी में भी कुछ छुट्टी वगैरह मिल गई थी, तो मैं सोचा क्यों ना इस समय का फ़ायदा लिया जाए, मतलब फ़ायदा उठा लीजिए, इस वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने ये काम किया है। और हाथ दुखने लग गया है अभी कैमरा पकड़ के, तो बाकी ऐसा कर सकता हूँ मैं भी। और यार मेरे सर की एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी शायद मेरे भाई लोग भी देखेंगे ना, मेरे भाई का ये काम है, मेरे भाई ने ये कांड किया। अभी पता नहीं उनको याद है कि नहीं है याद, पर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर में आपको कहीं दिख रहा होगा इतने बीच में, ये तो यहाँ पे मेरे भाई ने पत्थर मारा था और मेरा सर फूट गया था, तो निशान ना अभी भी है। जब मैं कटिंग करा रहा था ना, मेरे को इस चीज़ का याद आया, मैं बोला यार, मतलब कटिंग कराने के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, मेरे को नहीं कटाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे दिखता है। बाकी मैं तो भाई साहब बताऊँ, जब से कटिंग करा हूँ, जब से घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ, और एक दिन सिर्फ नागपुर गया था, तो नागपुर में हेलमेट लगा के गया था, तो भाई का जम जाता है, मतलब निकालते ही नहीं कपड़े। गया फट से मैं हेलमेट से ही अपने डॉक्यूमेंट्स लिया, और फिर हमारे जो बॉस हैं उनसे मिला और निकल के आ चुके थे। तो यही कुछ थी, और ऐसा है अपना लुक।
ये वीडियो भी मैं पता नहीं इसके बाद अभी बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, इसके बाद पता नहीं मेरे घर वाले, और घर वाले वैसे मोस्टली मेरे हिसाब से नहीं देखते हैं वीडियो, और जहाँ तक मेरे भाई लोग देखते हैं एंड पापा शायद देखते हैं, तो देखते हैं क्या तो पता नहीं, कंफर्म नहीं है मुझे पता। बाकी मंजिले वाले देखते थे ये तो पता है, क्योंकि क्या बताऊँ ये कहानी अभी मेरे भाई को याद है कि नहीं पता नहीं। इसकी कहानी भी मैं आप लोगों से बताऊँगा ये कैसे फूटा था, कि बता दूँ अभी, चलो बता ही देता हूँ। इसकी जो कहानी है ना वो इस तरीके से हुई थी कि हमारे घर में जानवर थे, गाय भैंस बैल वगैरह, तो इतना तो समझते हो यार, विलेज एरिया वाले हैं हम लोग तो समझ जाना इतना तो। तो हमारे खेत में मैं चराने गया था, मतलब गाय बैल को चराने गए थे, हम दोनों भी गए थे। और हमारे तरफ एक खेल होता है गाँव में, उसे टिल्ली बोलते हैं हमारे तरफ, कुछ गाँव में हमारे गाँव में टिल्ली बोलते हैं, कुछ गाँव में उसको गुल्ली भी बोलते हैं। और उसको ऐसा लकड़ी से ऐसा मार के और ऐसा मारना पड़ता है, गिल्ली भी बोलते हैं उसको, दो तीन प्रकार से नाम से जानते हैं अलग अलग। अगर मैं किसी दिन दिखेगा यहाँ पे तो मैं खेलते हैं बच्चे लोग, उसका वीडियो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा वो भी। तो वो बना रहा था मैं बैठ के ऐसे, और हमारी जो बैल थी, बैल नहीं था भैंस था आखिरी एक्चुअली में, तो भैंस उधर साइड में थी, तो मेरा भाई भी भैंस के उधर साइड में थे, मतलब मैं इधर साइड था, भैंस बीच में थी और भाई मेरे उधर साइड में थे। अब सीन कैसा था, वो उधर साइड से थे और सामने के साइड में लगा हुआ था धान, जो कि हमारे गांव में धान की खेती ज़्यादा होती है, तो धान लगा हुआ था। अब भैंस का किया, धान मतलब चरते 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 धान के पास पहुंच गया। अब भाई को क्या लगा, ये पक्का धान में अभी हाथ मारेगा, मतलब हाथ मतलब खाने वाला है ही। मेरे भाई ने क्या किया, दूर था, लकड़ी लेके आया रहता बट दूर था, तो उसने वहीं से पत्थर तान दिया। अब पत्थर मारा वहाँ से तो भैंस आगे सरक गई, मतलब चरते चरते आगे बढ़ गई, मतलब इसके पत्थर उठाते तक में भैंस आगे बढ़ गई, इतने में जगत बैठा था सामने में, यानी मैं। अब मेरा भाई मेरे को आवाज़ दिया, जगत हट वहाँ से, तो इतने में मैं तो भिड़ा था अपना बनाने के लिए, तो जगत हट बोला, तो जगत हट बोलने के ऐसा करके था, ऐसा किया आगे दन्न से पड़ गई यहाँ में, अब क्या करेगा जगह। और ये कहानी बताऊँ, इसमें एक ट्विस्ट और अलग से था कि हम मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ना हम लोग दोनों ने मतलब मेरे बड़े भाई को मैं बचाने के लिए पता है अभी पता नहीं मेरे भाई ने पता है कि नहीं पता, बाकी मैं बता रहा हूँ मेरे भाई को बचाने के लिए ऐसा बताया नहीं था, मेरे घर में किसी कुछ नहीं बताया, हम लोग दोनों प्लानिंग करके गए फिर खेत से, मतलब हमारे जो खेत था वहाँ पे, तो ऐसे करके दबा के रखे तो खून बंद हो गया, कड़क हो गया यानी सूख गया थोड़ा सा, तो बंद हो गया था खून। अब मैं अगर दौड़ता था तो फिर खून निकलता था, तो मेरा भाई भी मतलब बहुत सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मार तो उसी को पड़ने थे, तो हमारे जो भाई थे वो मतलब बताए नहीं किसी, मतलब मेरे को जाने नहीं देते थे, नहीं तो एक्चुअली मैं घर का छोटा था, मैं तो घर में छोटे होने के कारण क्या हुआ, जानवर अगर कहीं भागी तो जगत पहले तू जा उसको लेके आ, तो सब चीज़ में मेरे को ही जाना पड़ता था, बट ऐसा नहीं होता था, यानी मैं अपने भाई के साथ जाता था तो मेरे भाई हेल्प कर देते थे मेरी, क्योंकि ये था ना अगर मैं इसके बारे में अगर घर में बता दिया रहता तो मेरे घर वाले उसको भी मारे रहते या डांटे रहते, कुछ तो किए रहते, इसलिए नहीं मारे बहुत रहते, मारे नहीं भी रहते तो डांटे तो पक्का रहते, क्योंकि और ये बात को मैं बताऊँ, कम से कम 8-10 दिन हमारे गुजर चुके थे, निकल चुके थे, तो खून जो है ना, मैं नहाता था तो नहाने में मैं जाता सर नहीं घसता था क्योंकि खून निकलता था, और जब मैं नहाने जाता था ना तो मेरे साथ में किसी को लेके नहीं जाता था, क्योंकि पता था मेरे को कि अगर मैं एक बार मैंने गलती से नहा लिया था सबके सामने तो थोड़ा सा खून निकलते दिखाई दिया, मैंने क्या किया कि डबल सर में पानी डाला ही नहीं था, तो ऐसा हुआ था। बाकी धीरे 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 वो सूख गया, मतलब आजू बाजू का जो खून था निकला था, और खून बहुत ज़्यादा निकला था यार, मतलब छोटा था ना, बहुत ज़्यादा ताकत थी उस टाइम पे, खाते पीते करके देना, छोटे थे तो काम धंधे उतने रहते नहीं थे, तो अच्छा था। फिर इसके बाद में 8-10 दिन गुजर गए, सूख गया, फिर एक दिन हमारे पापा मम्मी को किसी को नहीं पता था, घर वालों को किसी को नहीं पता था, फिर एक दिन मैं गया और मेरे मंझले वाले भाई की बड़े वाले भाई, ये पता नहीं शायद दो भाई हैं मेरे, तो दोनों भाई में से कोई एक भाई मेरे साथ मंझले वाले थे, तो हम दोनों गए फिर से जंगल में वो भैंस के लिए पत्ती लाने के लिए, तो वहाँ से आए, मतलब आते वक्त मतलब गए
और वापसी के समय पानी आ गया। तो पानी आया तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी घाई घाई में आए। तो हमारे कैसा कच्चा घर था, लकड़ी ऐसे लगे हुए रहते हैं छप्पर वाले जैसे कि। अभी आप लोगों को दिखाऊं डेमो, तो ये देख सकते हैं ये जो डेमो है ना, ये लकड़ी, ये दिख रहा है लकड़ी कुछ इस तरीके से हमारे घर की भी लकड़ी थी। अब मैं बता दूं वो लकड़ी मतलब घाई घाई में आया था और सुबह की बात थी, सुबह की। तो घाव ये पहले से ही लगा हुआ था और मतलब भाई ने पहले घाव बना दिए थे हमारी। उस टाइम पे कुछ 8-10 दिन हो गए थे, तो सूख ही गया था, मतलब बैठ गया था। हमने बिना इलाज के कुछ भी ऐसा कुछ किया नहीं था तो बैठ गया था। इसके बाद हम पत्ती लेने गए। पत्ती लेने के बाद जब आया मैं वापस, तो गाय गाय से हाथ पैर धुला, मतलब पत्ती रखा हाथ पैर धुला और धड़ से कूद के मैं चढ़ गया, मतलब घर के अंदर आया। तो ऐसे कूदा तो फिर से वहीं पे वो जो लकड़ी थी ऐसी धार वाली फिर से लग गई। अब ऐसे ही रह गया मैं। तो ये बात थी मेरे पापा के सामने, ये पापा जी थे उस टाइम पे। अब ये पता नहीं मेरे पापा जी को भी पता है कि नहीं है, याद है कि नहीं, वीडियो देख लेंगे तो शायद याद आ जाए या ना आए पता नहीं। बाकी मेरे को जो याद है मैं बता रहा हूँ। तो और मेरे पापा जी पता है उस टाइम पे दूध निकाले हुए थे भैंस का। तो हमारे तरफ बकेट होते हैं, बाल्टी बोलते जिसे, तो वो बाल्टी सामने में रखी हुई थी। तो मैं सिर्फ ऐसे लगा मेरे सर को, मैं झुक के और ऐसा ही रह गया था नीचे करके। तो सामने में ना बाल्टी थी, तो बाल्टी में ही मेरे सर के दो बूंद गिर गए थे खून के। तब मेरे पापा जी को पता चला कि ये मतलब था वहाँ पे, पापा जी भी थे वहाँ पे, तो उनको लगा कि यहीं से फूटा है ये, कूदा मैं तो लग गया वो लकड़ी वहाँ पे, तो यहीं से फूट गया। दिन में हमारे भाई थे तो उनकी तो सटपट हो गई थी क्योंकि उनको पता था। और कूदना मेरे को मना था क्योंकि भाई को पता था मैं अगर दौड़ता था ना, अगर कोई चीज़ दौड़ना या कूदा मैं, तो खून निकलना चालू हो जाता था, और ऐसे नॉर्मल रहता था तो नहीं निकलता था। तो ये कुछ इस तरीके से थी। और फिर बकेट में दो बूंद गिर गए थे खून के, तब फिर पता चला। इसके बाद भी मैं नहीं बताया था क्योंकि अगर मैं बताया रहता तो भाई को तो पता नहीं भाई की कौन सी सजा होती, क्या होता क्या नहीं। बट भाई को बचा के रखा। और फिर बाद में काफ़ी दिन हो गए जब पूरा घाव बैठ गया, तब फिर मैंने मम्मी को बताया, पापा को भी बता दिया। फिर नॉर्मल था यार, कोई टेंशन नहीं थी। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी थी। और मेरे भाई अगर आप लोग देख रहे हो ना तो प्लीज़ यार मतलब, और मैं अपने लाइफ में ना पहली बार ऐसे कटाया हूँ, मतलब छोटे बाल, और पता नहीं यार बहुत अजीब सा लगता। मैं अभी भी कहीं निकलता हूँ तो टोपी लगा के निकलता हूँ, मतलब ऐसे निकलते हैं। छत के ऊपर कोई नहीं है इसलिए मैं ये वीडियो तो भी बना लिया, नहीं तो नहीं होता यार मेरे से, पता नहीं क्यों। और लोग कैसे कटा के रख लेते हैं पता नहीं। बाकी बहुत मुश्किल से 8-10 दिन मेरे निकले, बताओ 8-10 दिन में जब मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, तो जब मैंने कटाया रहा होगा तो कितना छोटा रहा होगा। और कहानी कैसी लगी यार ये, इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके बता देना। कमेंट करके बता देना। और इसका जो प्लानिंग हम लोग किए हैं आप लोगों के लिए, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बता देना। अगर पार्टिसिपेट करोगे तो सस्पेंस खेल रहे हैं, पता चल ही जाएगा, तो देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार।